आपको याद होगा करणवीर बोरा ने एक पार्टी रखी थी जिसमें लॉकअप के कई कॉन्टेस्टेंट शामिल हुए थे। उस पार्टी में क्या मुनव्वर को इनवाइट नहीं किया गया था? अब उस पार्टी को लेकर करणवीर बोरा ने कहा है कि वो पार्टी मैंने रखी थी, हमारे बिल्डिंग में गेट टुगेदर था और उस दौरान जो है मैंने लॉकअप के सभी कॉन्टेस्टेंट को भी इन्वाइट किया था। मेरा मोटिव यही था, जो गुजर गया वो गुजर गया, जहाँ तक यानी कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है मुनव्वर फारूकी की, रिलेशनशिप जब आप इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में होते हैं तो कई बार ऊपर नीचे होते ही हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो उनका ये कहना है कि जब मैंने मुनव्वर को भी फ़ोन किया तो मुनव्वर का पहला रिएक्शन था, अरे यार मैं पक्का आता, बस मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो ये बात जो है, और उसने ये बात बहुत पॉजिटिविटी के साथ कही, करणवीर बताते हैं। तो उनका ये कहना है कि जितने भी लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया, चाहे शो के अंदर बनती हो नहीं बनती हो, ये उनकी मंशा थी ही नहीं, उनकी मंशा ये थी, जो बीत गया वो बीत गया। एक शो था, शो में आप बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मुनव्वर के साथ रिश्ते की, तो एक बात तो तय है कि करणवीर भी चाहते हैं कि उनके साथ, उनके जो मुनव्वर के साथ रिलेशन है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब थे, लेकिन जो चीज़ें शो में हुई उसको हर कोई भुला दे और उससे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं करणवीर। और इसी मोटिव के साथ, पर्पस के साथ जो है उन्होंने अपनी जो है एक पार्टी रखी थी जहाँ पर कई लॉकअप के कॉन्टेस्टेंट जो है हिस्सा बने थे।